नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। मित्रों, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स में। और आप देख रहे हैं सावन मास में प्रसारित कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की। महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम के दौरान आज के एपिसोड में हम पहुंच गए हैं बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह पर जा रहे हैं। और हमारी टीम हमारे साथ में है। हमारे बड़े भाई देखिए जैसा कि दिख रहे हैं आपको पीछे, अमरेश पांडे अमृत जी, और ये छोटे अनुज यहाँ घोंसले से जैसा झांक रहे हैं। जरा थोड़ा सा किनारे आइए। हाँ, ये हैं नीलेश जी, मिश्रा जी, नीलेश मिश्रा जी। और मिश्रा जी देखिए यहीं पर हैं, देखिए आप मिश्रा जी। और हमारे चालक महोदय, इनका विशेष सहयोग है, यही हमको जो है रास्ते पे ले जाके पहुंचाते हैं वहाँ पर महादेव के दरबार में। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो होने वाली है ये। और आपको दर्शन आज होंगे बाबा तमेश्वर नाथ महादेव के, बहुत ही अद्भुत और पौराणिक हैं बाबा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर जाएं, हनी हार्दिक आर्ट्स को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी एपिसोड प्रसारित हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो में बने रहें और आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए, अब हम बाबा तमेश्वर नाथ धाम में पहुँच चुके हैं और हम गेट से एंट्री कर चुके हैं अंदर। देखिए, आज बारिश होने के कारण जो है काफ़ी दुकानें जो बंद हैं, और वैसे तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और दुकानें हमेशा सजी रहती हैं, बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। ये सब परमानेंट दुकानें हैं जो हमेशा लगी रहती हैं, आपको जब भी आएंगे तो इतनी दुकानें हमेशा मिलेंगी। एक मेले जैसी अनुभूति हमेश्वर रहती है यहाँ पर बाबा तमेश्वर नाथ के दरबार में। और संत कबीर नगर ज़िले में रहने वाले लोगों के लिए यह किसी तीर्थ से कम नहीं है। बाबा 350 वर्षों से जो है यहाँ पर लोग इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए, बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी आपको यहाँ पर और मिलने वाली है। तो चैनल में बने रहें, वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, आप पूरा वीडियो देखें और आनंदित हों, बाबा के दर्शन भी करें। बहुत ही ऐतिहासिक और रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर पूरा बना हुआ है और यहाँ पर दुकानें सजी हैं, फूल माला चंदन जो भी आप लेना चाहें आप लीजिए। ये सब दुकानें कितना बढ़िया और सुंदर बनाती हैं जगह को। और बाबा तमेश्वर नाथ विराजमान हैं एकदम चमचमाते हुए। देखिए ये पोखरा है और इस पोखरे का निर्माण द्वापर युग में यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि हुआ है। जैसा कि अज्ञातवास के समय जो है पांडवों ने यहाँ पर समय बिताया था और माता कुंती ने बाबा तमेश्वर नाथ की स्थापना की थी। तो आइए और कुछ आगे जानते हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। मित्रों, कैसे हैं आप सब? और एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स में। और आप देख रहे हैं महिमा भोलेनाथ की। महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम के दौरान आज के एपिसोड में, जैसा कि मैंने आपको चलने से पहले ही बताया था कि मैं इस समय जो है तमेश्वर नाथ बाबा के दरबार में जा रहा हूं, और मैं पहुंच चुका हूं बाबा तमेश्वर नाथ के दरबार में। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, पूरा मंदिर साक्षात दिख रहा है। यहाँ पर हमारे स्वयंभू भगवान भोले शंकर की अद्भुत शिवलिंग जो है यहाँ पर विराजमान है। आप सभी को अभी मैं दर्शन कराऊंगा और उसके पश्चात यहाँ की क्या कथा है, यहाँ की क्या जो है पौराणिक मान्यता है, वो सब आपको यहाँ पर पुजारी जी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग आपको जानकारी मिलने वाली है। और पहले आपको बाबा तमेश्वर नाथ के आपको दर्शन हम करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल हनी हार्दिक आर्ट से और कार्यक्रम को देखें महिमा भोलेनाथ की, जो सावन मास में प्रसारित सभी अद्भुत और अलौकिक शिवलिंग को जो है दिखाया जा रहा है इस कार्यक्रम में, भोलेनाथ की महिमा को दिखाया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं बाबा तमेश्वर नाथ के श्री चरणों से। तो आप सभी बने रहें वीडियो में। हर हर महादेव।
तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए सबसे पहले आपको बाबा तमेश्वर नाथ के अद्भुत दर्शन हम करवाते हैं। आप वीडियो में बने रहें, बार बार मेरा यही कहना है, वीडियो को पूरा देखें और बाबा के दर्शन करें। बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक हैं बाबा। द्वापर युग से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है बाबा की, और लगभग 350 वर्ष पहले यहाँ पर अभी जो है नए तरीके से यहाँ पर बासी के राजा उग्रसेन के द्वारा नया जीर्णोद्धार यहाँ पर बाबा का जो है हुआ है, और नए तरीके से जो है पूजा अर्चना हो रही है। तो काफ़ी भव्य और ऐतिहासिक हैं ये। चलिए बाबा के दर्शन करिए। देखिए यहाँ पर अभी किसी का अभिषेक संपन्न हुआ है और साफ सफाई यहाँ के पुजारी जी कर रहे हैं, उनके परिवार। तो एक बार बोलिए बाबा तमेश्वर नाथ की जय। बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक, एकदम मन प्रसन्न हो गया। देखिए कितना अलौकिक दृश्य है, और यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पर पुजारी जी के परिवार के लोग जो है, क्योंकि अभिषेक कार्य अभी संपन्न हुआ है। और देखिए यहाँ पर घंट बंधा हुआ है, सबकी मनोती पूर्ण होती है, और यहाँ पर घंट जो है वो अपना बांधते हैं, जैसा जिसकी मनोती होती है वैसे छोटे बड़े मंदिर के भी निर्माण होते रहते हैं। और भक्त देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कितना सुंदर दृश्य है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मान्यता को, मनोती को पूर्ण करते हैं। देखिए यहाँ से ये सब दुकानें हैं, ये दुकानों का सब पूरा जो है दृश्य है। यहाँ पर दुकानें सजी रहती हैं, हमेशा मेले की अनुभूति होती रहती है, जैसे लगा रहता है कि हमेशा मेला है। और आपको बताते चलें कि शिवरात्रि का जो मेला होता है वो पूरे एक महीने यहाँ पर चलता है। और बताने वाले बताते हैं कि पहले यहाँ पर शिवरात्रि जब रहती थी तो यहाँ पर रिश्ते तय होते थे, लड़कियों के लड़कों के रिश्ते तय होते थे, ऐसा माना जाता है यहाँ पर बाबा तमेश्वर नाथ की महिमा को। तो देखिए बहुत ही अद्भुत और अलौकिक हैं ये। और सीढ़ियों की ऊंचाई पर यहाँ पर जो है काफ़ी ऊंचा है इनका स्थान, और यहीं पर विराजमान है बाबा। ये सब देखिए बाहर का दृश्य है, हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं सब, यहाँ मंदिर के ऊपर से छत पर। और धर्मशाला हो गया, यज्ञशाला, तमाम प्रकार के जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, सरकार के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की साफ़ सफाई, और जो है दुकानें, मेले की अनुभूति हमेशा होती रहती है। आप कभी भी आइए, एनी टाइम आपको जो है लगेगा कि आप मेला घूमने आए हैं, ऐसी महिमा है बाबा भोलेनाथ की। और यहाँ पर देखिए अन्य जो है देवी देवताओं के मंदिर हैं, बाबा बजरंगबली और माता जी के, गौरी, गणेश, सभी के यहाँ पर हैं मंदिर। और देखिए ये बाहर का दृश्य है पूरा, बहुत ही भव्य और खुले वातावरण में जो है इनका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, हजारों की नहीं लाखों की संख्या में आते हैं, बताना गिनती कम पड़ता है, हमेशा यहाँ पर भरे रहते हैं, खचाखच मंदिर भरा रहता है। शिवरात्रि के दिन में तो लाइन लगती है, लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ सफाई संपन्न हो गया है, और किसी का अभिषेक अभी दोबारा होने जा रहा है। तो आप बने रहें वीडियो में, और हम आपको दर्शन करवाते रहेंगे ऐसे ही। शंकर गणेश पार्वती बताते जाइए, बताइए आप पूरा। शंकर गणेश पार्वती, शंकर जी, ये पार्वती जी गणेश जी, तीनों जी गणेश जी के टूट गए, ये भी स्वयं हुए हैं, ये भी स्वयं अपने आप निकले हैं। अच्छा, इनको यहाँ वरला महादेव आ जाएगा। वरला, वरला महादेव, भगवान भोलेनाथ, छवि एक ही, माता पार्वती जी और गणेश जी एक ही जगह पर जो है इनका स्वरूप दिखता है। ये स्वयं भू, ये भी हैं, प्रकट हुए हैं, शंकर एक साथ, बहुत ही स्वयं स्वरूप दिख रहा है, आस्था का प्रतीक है ये, और दिव्य और अलौकिक है। बखान हम कर नहीं पा रहे हैं, कितना बखान करें, बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। बताते जाइए, बताइए आप पूरा। शंकर गणेश पार्वती, शंकर जी, ये पार्वती जी गणेश जी, तीनों जी गणेश जी के वाले टूट गए, ये भी स्वयं हुए हैं, ये भी स्वयं अपने आप निकले हैं। अच्छा, इनको यहाँ वरला महादेव आ जाएगा। वरला, वरला महादेव, तीनों लोगों की छवि एक ही,
एक ही मंदिर में एक स्पष्ट व्यक्ति वरला महादेव हैं, यहाँ पर पार्वती जी, गणेश जी और भगवान भोले शंकर एक साथ हैं, स्वयं स्वरूप दिख रहा है। देखिए आप सभी बजरंग बली के भी दर्शन करिए, बहुत ही पुराने हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप। बोलिए पवन सुत हनुमान की। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा तमेश्वरनाथ की, बाबा भूत भावन भोलेनाथ की, हर हर महादेव। तो दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स में, और आप देख रहे हैं कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की। महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम के इस एपिसोड के दौरान आज हम आए हुए हैं बाबा तमेश्वरनाथ धाम में। बाबा का यहाँ अद्भुत शिवलिंग बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक है, जो कि बहुत ही प्राचीन है, और यहाँ से आज हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं महिमा भोलेनाथ की। महिमा भोलेनाथ की कार्यक्रम के दौरान अभी हमने आपको बाबा तमेश्वरनाथ के दर्शन कराए, और उसके पश्चात आइए अब यहाँ की कथा के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर बैठे परम पूज्य गिरी जी महाराज के द्वारा, आपका शुभ नाम क्या है बाबा जी? सभाजीत गोस्वामी। ये तो श्री सभाजीत गोस्वामी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो मंदिर के जो है पुजारी हैं, और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा खानदान जो है बाबा की सेवकाई बरसों से कर रहे हैं। तो काफ़ी जो है ऐतिहासिक मंदिर है ये बाबा तमेश्वरनाथ। इनकी कथा के बारे में यहाँ पर अभी गिरी जी आपको बताएंगे, तो आप चैनल में बने रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर जाएं, हनी हार्दिक आर्ट को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़ें। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं, बाबा तमेश्वरनाथ की महिमा के बारे में जानते हैं। यहाँ के परम पूज्य गिरी जी महाराज से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की इस प्रोग्राम में, और आप बाबा तमेश्वरनाथ की महिमा उनकी कथा के बारे में दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत स्वागत है। बाबा तमेश्वरनाथ की जय। बाबा तमेश्वरनाथ द्रापर युग का मंदिर है, और नौ नाथों में एक नाथ बाबा तमेश्वरनाथ हैं। इनकी कहानी यही है कि जो है बांसी के राजा जी, जो राजा उग्रसेन सिंह थे, उनकी कोट यहाँ हमारे गाँव के बगल कटका में लगती थी, तो अपने बराबर इसी रास्ते से अपने कोर्ट के लिए जाते थे और आते थे। यहाँ के प्रशासक वो मुगल शासक थे खैरुर रहमान, जिसके नाम पे खलीलाबाद पड़ा। वो जो है राजा जी को सूचित किए कि यहाँ एक शिवलिंग है, तो राजा अपने मैनेजरों को भेज के अपने स्वयं आकर इस शिवलिंग को देखे और अपने लोगों को लगा दिए कि यहाँ के इसको शिवलिंग को यहाँ से लेके हम बांसी लेके चले जाएंगे जी। और फिर धीरे धीरे मतलब कुछ दिन प्रयास किए, प्रयास असफल रहा, यहाँ शिवलिंग नहीं निकल पाई। फिर दूसरे दिन वो अपने साथ पूरे सैनिक और पूरे हथियार के साथ आए कि जो है इस मंदिर को जो है खनवा के मूर्ति को ले जाना है अपने वहाँ। तो जितना वो खनवाए उतना वो रात में पड़ जाता था। फिर यहाँ क्षेत्र में लोगों को अलाउंस कर दिए राजा जी कि आप लोग आइए और इसको शिवलिंग को खनवाना है। राजा आदेश पाकर हर आदमी यहाँ पर जुट गया, और धीरे धीरे ये मंदिर मतलब खुदवाने लगे यहाँ शिवलिंग को। जितना खुदवाते थे उतना पड़ जाता था। कई दिन ऐसा बीत गया, फिर राजा कहे लगता है मंदिर ये नहीं जा पाएगा शिवलिंग। फिर एक दिन और फिर राजा प्रयास किए, उस दिन जब प्रयास किए तो यहाँ से इस मंदिर मतलब मूर्ति के बगल से जो हाड़ी बिच्छी सांप निकलने लगे और कई लोगों को काट लिए और कई लोग मर गए। जब मर गए तो राजा घबरा गए, कहें अब करें क्या करें, अपने पुरोहितों से पूछे कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा यहाँ मंदिर यहीं छोड़ दीजिए, ये नौ नाथों में एक नाथ हैं, और जो है फिर उसके बाद राजा ने यहाँ छोटा सा मंदिर बनवा दिए, बनवा कर या पूजा अर्चना करके चले गए। और लोगों की कथा है रामायण में, तुलसीदास जी भी कहे हैं कि जो है रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो यहाँ तामगढ़ है, एक पीछे एक तालाब है जिसका नाम है तामगढ़, उसी नाम पर ये तामेश्वरनाथ पड़ा। तो जो है वो राजा रामचंद्र जी भी यहाँ का आकर पूजा अर्चना किए थे, और कुंती माता कुंती अपने पुत्र बुद्ध का मुंडन भी यहाँ कराई थी। तब से यहाँ मुंडन संस्कार बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोग मुंडन संस्कार करते हैं। लोगों की मान्यता है
कि जो मनोकामना अगर सच्चे मन से आप बाबा तामेश्वर नाथ को मानते हैं वो आप जरूर पूरा होता है यहाँ पर। इसलिए धीरे धीरे इस मंदिर का बहुत ज़्यादा विकास हो गया और 2-2.5 लाख पब्लिक हर दिन सोमवार को यहाँ जल चढ़ाती है। पर डे यहाँ 20,000-10,000 लोग सावन में आते हैं। इस बार कांवड़िया मेला नहीं है इसलिए लोग कम आ रहे हैं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और रुद्राभिषेक आदि पूजा अर्चना करते हैं। जो यहाँ पूजा अर्चना करता है उसका मनोकामना बाबा तामेश्वर नाथ पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, आदिकाल से यहाँ पर हैं। त्रेता द्वापर, त्रेता में भगवान श्री राम और द्वापर में कुंती जो है वो पांचों पांडवों की माता जी यहाँ पर अपने मुंडन संस्कार अपने बेटे बुद्ध का जो है यहाँ पर कराई थी। तो बहुत ही युगों युगों से ये तामेश्वर नाथ धाम यहाँ पर लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। लोगों को जो है यहाँ पर उनकी मनोती पूर्ण कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान का दर्शन लोग आके करते हैं। तो बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा है इनकी और उसका अनादि है शिव, अंत उनका कोई नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया रोचक जानकारी यहाँ पर गोस्वामी जी ने, पुजारी जी ने, महाराज ने दिया यहाँ पर और आप सभी ने जो है उसको सुना। आप सभी भी आइए, अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो बाबा तामेश्वर नाथ धाम में ज़रूर आइए। 9 नाथों में एक नाथ बाबा तामेश्वर नाथ, इनकी महिमा अद्भुत है। एक बार आके यहाँ पर दर्शन जरूर करिए, आप अपनी मनोती को पूर्ण करिए और बाबा के दर्शन करिए। तो चलिए अब कथा जो है यहाँ पर बाबा के द्वारा जो है संपन्न हुई, अब थोड़ा सा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ भजन, क्योंकि बाबा तामेश्वर नाथ के दरबार में बैठकर और इतना दिव्य जो है स्थान है यहाँ पर, अगर उनके श्री चरणों में बैठ के एक भजन ना हो तो समझ लीजिए कि ये कथा अधूरी रह जाएगी। और भजन के लिए आमंत्रित करूँगा मैं अपने सहयोगी टीम के जो है हमारे बड़े भाई अमरेश पांडे जी अमृत को, और यहाँ पर बैठे नीलेश जी भी हैं, वो भी भजन सुनाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहे, कहीं मत जाइए, लगातार कार्यक्रम जारी है महिमा भोलेनाथ की। तो आइए अब भजन की तरफ चलते हैं, रुख करते हैं बड़े भाई अमरेश पांडे अमृत जी का। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोले बाबा तामेश्वर नाथ की, बोले हनुमान जी महाराज की। और हम लोग बाबा तामेश्वर नाथ धाम में आए हैं और यहीं बगल में हनुमान जी के मंदिर पे हम लोग बैठे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। और हनुमान जी भी भोलेनाथ के ही अवतारी हैं, रुद्रावतार हैं। तो उन्हीं का मैं भजन आप लोगों को के समक्ष रख रहा हूँ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी, तुम पर लीझ है अवध बिहारी। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, भव सागर से तार, पवन सुत विनते बारंबार, पवन सुत विनते बारंबार। बोले हनुमान जी महाराज की।
और बाबा तामेश्वर नाथ के धाम में हम लोग आए हैं और बाबा की महिमा ना हो तो समझिए कुछ हुआ ही नहीं। और बाबा से एक याचक यानी कि बाबा का याचक अमरीश पांडे बाबा से याचना कर रहा है। रखली भोले रखली हमरा के अपन दरबार में नौकर रखली जा हमरा के अपन दरबार में नौकर रखली। हाँ रखली बाबा रखली हमरा के अपन दरबार में नौकर रखली। हाँ हमरा के अपन दरबार में नौकर रखली। बोले बाबा तमेश्वर नाथ की, महादेव की कृपा सब पे बरसती रहे यही आस और विश्वास के साथ मैं अमरीश पांडे सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आदरणीय गोस्वामी जी महाराज का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव। और आइए अब यहीं बगल में बैठे नीलेश जी हमारे छोटे अनुज, इनको भी बाबा तमेश्वर नाथ के श्री चरणों में कुछ कहने के लिए मौका देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव। बोलिए बाबा तमेश्वर नाथ की। और आइए, सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को भजन सुनाते हैं बाबा के दरबार में। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। हो जब से चढ़ल बाटे सामन बाड़ी लागे माने भावन, जब से चढ़ल बाटे सामन बाड़ी लागे माने भावन, सभे बोला ताड़े बमला हरी। तब किर भोला जी के झंडा सारी दुनिया में लहरी, तब किर भोला जी के झंडा सारी दुनिया में फहरी। जब से चढ़ल बाटे सामन बाड़ी लागे माने भावन, जब से चढ़ल बाटे सामन बाड़ी लागे माने भावन, सभे बोला तारे बमला हरी। तब किर भोला जी के झंडा सारी दुनिया में फहरी, तब किर भोला जी के झंडा सारी दुनिया में लहरी। और कैसे कहना बा, गुजल बा धरती गगन में भोले बाबा के जयकारा, सभे बोलत बा संग में भोले बम के नारा। हर हर महादेव सभे बोलत ताड़े देव, हरे हर महादेव सभे बोलत ताड़े देव, शिव के शरण में आके ठहरी। तब किर भोले जी के झंडा सारी दुनिया में फहरी, तब किर भोले जी के झंडा सारी दुनिया में फहरी। बोले बाबा डमरुआ नाथ की। हे भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, ओ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ। शंकर पधारो हे भोले शंकर पधारो, बैठ छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, हो माता सती के पति मेरी सुनो वंदना, माता सती के पति मेरी सुनो वंदना। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, श्रवण जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी,
श्रवण जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। हे भोले शंकर पधारो, बाबा तमेश्वर नाथ पधारो, बैठ चुप के कहाँ माता सती के पति। हो माता सती के पति मेरी सुनो वंदना, माता सती के पति मेरी सुनो वंदना। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा तमेश्वरनाथ की हर हर महादेव। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हनी हार्दिक आर्ट्स यूट्यूब चैनल और कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ के इस एपिसोड में आज हमने आपको दिखाया बाबा तमेश्वर नाथ की अद्भुत दर्शन कराए और वहां की कथा के बारे में परम पूज्य गोस्वामी जी ने बताया। तो यहां से लाइव कार्यक्रम बाबा तमेश्वर नाथ के धाम से चल रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इतनी बड़ी आपदा पूरे विश्व पर, पूरा विश्व परेशान था, लेकिन एक भी कोरोना जो है इस क्षेत्र में, जितना बाबा तमेश्वर नाथ का क्षेत्र जहाँ तक इनकी महिमा जो है गूंज रही है, जहाँ तक यहाँ के घंटों की गूंज जाती है, जयकारों की गूंज जाती है, वहाँ तक कोई भी पेशेंट नहीं आए, यह अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। यहाँ पर बाबा तमेश्वर नाथ के दरबार से तो आप भी आइए और इतने दिव्य स्थान के दर्शन करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं महिमा भोलेनाथ की कार्यक्रम हनी हार्दिक आर्ट यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए शुधाम में एक नई अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।